हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी केटी बारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने है हमारे ये देखिए समर के प्लांट है, पिटूनिया डिफरेंट कलर का आता है और मैं आपको इसकी बर्ड्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी बर्ड है, पीछे की तरफ भी हैं, तो बेस्ट प्लांट है समर के लिए। अभी लगभग ये मार्च तक जो है अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, तो बहुत अच्छा प्लांट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए हमने इसका वीडियो आपके साथ कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, गुलदावरी को नेक्स्ट सीजन के लिए आप कैसे बचाओगे, ये वो वाला प्लांट है। तो देखिए बेबी प्लांट जो निकल रहे हैं ना, वो अच्छे से हेल्दी सर्वाइव कर रहे हैं। एक ये है, एक ये है। तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर आप इस टाइम भी कर दोगे, ट्रीटमेंट बोला है मैंने, इस टाइम भी कर दोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी गुलदावरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही प्लांट में से देखिए यहाँ पर मेरे चार प्लांट बन चुके हैं रेडी नेक्स्ट सीजन के लिए, और ये इसका मदर प्लांट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी छोटी सी हार्वेस्टिंग। हर रोज़ 2 से 3 चेरी टोमेटोज़ जो हैं वो मेरे गार्डन में उतरते रहते हैं, निकलते रहते हैं, तो लॉट्स ऑफ फ्लावर हैं टोमेटोज़ पे। बहुत जगह मैंने टोमेटोज़ लगाए हैं, तो काफ़ी कुछ तो ख़राब भी हो गए हैं। और इस बार का मौसम आपको पता है, बिन मौसम के बारिश हुई है, वेदर कैसा दिन रात चेंज हुआ है, फिर भी ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं करते हैं, तो छोटे लेवल पर भी अगर हम कर रहे हैं तो चेरी टोमेटो जो हैं आराम से निकलते हैं। तो ये देखिए, इनकरेज करने के लिए हर वीडियो में कोशिश करती हूँ इसको दिखाने के लिए। चेरी टोमेटो है, अपने आप निकला था, ग्रो नहीं किया था मैंने, छोटा सा पॉट है ये देखिए। और आज के मेरे चेरी टोमेटो जो हैं ये हैं छोटे छोटे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब सीड लगाते हैं तब तो पता नहीं रहता ये चेरी निकलेगा या बड़ा निकलेगा। ठीक है, तो देखिए बड़े साइज़ के भी हैं टोमेटोस, ये देखिए। और यहाँ पीछे की तरफ जो है आप इसको देख सकते हो, ये पीछे वाला ये देखिए, यहाँ पर 2 टोमेटोज़ हैं, काफ़ी सारे टोमेटो हैं वैसे तो। पीछे की तरफ वाला जो है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है ये वाला। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, फ्लावरिंग जो है काफ़ी अच्छी हो रही है, कुछ फ्लावर झड़ भी जाते हैं बट फिर भी अगर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है गार्डन में। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो टोमेटोज़ के साथ तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टोमेटोज़ तो आपने देख ही लिए हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि मैंने जितनी भी कटिंग लगाई है लास्ट 2 मंथ से, वो सारी कटिंग का अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैं जिस दिन शूट कर रही हूँ उस दिन हमारा है बसंत पंचमी। ठीक है, तो मतलब कि स्प्रिंग आ चुका है, तो वीडियो सारे देखिए चैनल पर जाकर। और कटिंग, प्लांटिंग, कंपोस्टिंग, रिपोटिंग, जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ आप वो सब शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मेरा एक बड़ा सारा कंटेनर है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरी कटिंग चलेगी, क्योंकि स्प्रिंग से पहले ही मैंने इसको लगा दिया था। आई थिंक ये मैंने 1.5 महीने पहले लगाया था, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट देखिए हमने अपने जो हमारा एक रमेश लाल का प्लांट है उसकी कटिंग मैंने की थी, और उसी की हमने बहुत सारी ब्रांचेस जो है लगाई थी। जो छोटी ब्रांचेस थी उसका भी मैं दिखाऊंगी कि वो हमने अलग लगाई थी कोकोपीट वगैरह में, तो वो अच्छे से चल रही है। तो इसकी ग्रोथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्लांट को साइड कर देती हूँ, ये दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये देखिए। ये आज धूप बहुत ज़्यादा है, टेरेस पर आते हुए भी मुझे सोचना पड़ रहा है, और आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ जिसकी वजह से मॉर्निंग में नहीं आ पाई हूँ। नीचे तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा ना आपको, तो जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे हुए हैं, तो बिज़ी होने के कारण मैं मॉर्निंग में नहीं आ पाई हूँ। तो कटिंग का अपडेट है इस वीडियो में सारा। तो चलिए दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो छोटे वाला कंटेनर जिसमें कोकोपीट है, और इसमें जितनी भी सारी कटिंग लगी हुई है सारी की सारी रमेश लाल की है। देखिए धूप बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। अगर आपको वीडियो अच्छे से दिखा हो, समझ आया हो, तो कमेंट करके बताना कि हाँ हमें वीडियो क्लियर दिखा है। तो इसमें भी कुछ कटिंग मैंने लगाई थी। ठीक है, ये भी चल रही है, सूखी नहीं है। इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, अगर ये सक्सेसफुली लग गई है सारी कटिंग, तो ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसमें किया क्या था। ठीक है, रमेश लाल की कटिंग मैं दिखा रही हूँ आपको। चलिए दूसरी तरफ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ साइड की तरफ मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, पहले मैं कैमरा बिल्कुल पास में ले जाती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। ये देखिए, ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो वाला ग्रीन वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया है फ्रेंड्स, ये भी एक कटिंग लगाई थी, और बहुत पहले लगाई थी, और मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है किस चीज़ की कटिंग लगाई थी मैंने। तो ये सक्सेसफुली लग चुकी है, और इसमें जो है हमारे आपने देख ही लिया है ग्रीन प्लांट जो है, लीव्स जो हैं वो आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको टोमेटो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट देखिए धूप होने की वजह से ना मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ इस पत्ते के पीछे है। ठीक है, आई होप आपको दिख गया होगा क्लियर। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी कटिंग है सारी की सारी मैंने अपने सामने लाकर रख ली है और एक एक करके आपको कटिंग का अपडेट देते जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बकेट आपको याद होगा जिसमें मैंने लगाया था अपना मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट की कटिंग लगाई थी, जो कि लक की है, ख़राब नहीं हुई है। 15 दिन से इनको ज़्यादा हो चुके हैं लगे हुए। वीडियो बाद में आता है, मतलब कि अपलोड बाद में होता है, बट वो बन पहले जाता है। ये हमने लगाई थी मोस रोज की और पोटैटो वाइन है ये, ठीक है। तो मैं इसको आपको पास से दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, धूप होने की वजह से ना मुझे दिख ही नहीं रहा है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो बताना। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कटिंग है, ये प्लांट नहीं है। प्लांट जो है वो मैंने लगाया था मिट्टी के पॉट में। वीडियो देख लेना, हो सका तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी मैं, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो बहुत अच्छी है ये, बेल की तरह बढ़ती है, जैसे हमारा मनी प्लांट होता ना उसी टाइप से ये बढ़ती है। तो ये कटिंग है जो मैंने लगाई थी, 3-4 जगह मैंने कटिंग लगाई थी, बट उसमें से ये वाली कटिंग बहुत अच्छी चल चुकी है। दूसरी कटिंग जो लगाई थी बिल्कुल इसी जैसे पॉट में, उसको ग्लैरी ने ख़राब कर दिया, काट दिया बिल्कुल अच्छे से। तो बहुत सारी कटिंग जो है ग्लैरी ख़राब कर देती है, उसी का मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि सच में काटती है या नहीं। ये देखिए, ये पॉट आपको याद होगा वीडियो के शुरुआत में मैंने दिखाया था। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने अभी लगाई है तुरंत, ठीक है। तो ये है हमारी कपूर तुलसी। ये दोनों पॉट, इस वाले पॉट के बगल में ही एक और पॉट लगा है, आई थिंक वो येलो कलर का ही है क्योंकि वो दूसरी साइड रखा है। तो उसको ऊपर से उसने काट दिया है अच्छे से। ये वाली कटिंग भी मैंने दो जगह लगाई है, एक उसी पॉट में लगा दी है, एक ये लगाई है, ठीक है। इसीलिए ये फॉग जो है यहाँ पर रखा है, इसी से मैंने लगाया, ठीक है। आपको यकीन हो गया होगा कि गिलहरी मेरे गार्डन में बहुत परेशान करती हैं, काफ़ी सारे वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक एक करके दिखाते जाते हैं आपको फ्रेंड्स। आज का जो कटिंग का अपडेट है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। और किसी को कटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि नहीं लगती है, अभी भी आप कटिंग लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो कि कटिंग हमारी नहीं लगती है, तो पिछले कुछ वीडियो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छी तरीके से मैंने सब पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है और कटिंग बहुत सी लग भी जाती है और बहुत सी नहीं भी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कटिंग एक लगाई है और वो लग जाती है, ठीक है ना। मेरे साथ भी ऐसा होता है, नहीं लगती है। तो देखिए, ये सारा जो है ये भी हमने कटिंग के थ्रू ही लगाया था और कुछ प्लांट इसमें पहले से लगे हुए थे, तो ये भी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, अच्छे खासे चल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। तो देखिए, ये वाली कटिंग का वीडियो चैनल पर है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाया था, बनाया था मतलब कि। तो देखिए, ये आपको याद होगा ऊपर की तरफ मैंने नेल पॉलिश लगाई थी। ये जो दो पॉट है ना, इनको मैंने खाली कर मतलब कि खोल कर मैं देख चुकी हूँ कि भाई एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सारे मैंने नहीं खोले हैं और ये खोल लिए हैं। तो देखिए, कटिंग जो है वो हमारी ख़राब नहीं हुई है, सड़ी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, और आप देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इसमें सारी न्यू लीव्स है, आप वीडियो देख लेना आप खुद समझ जाओगे। न्यू लीव्स नहीं बोल रही हूँ मैं, हो सकता है इसमें पहले से ही लीव हो, बट आप ये देखिए जितनी भी लीव है ना वो सूखी नहीं है, ठीक है ना। ये प्लस पॉइंट होता है आपकी कटिंग का कि वो कटिंग सर्वाइव कर रही है, चल जाएगी। तो देखिए, ये दो कटिंग है जो मैंने खोल कर देखी थी, ठीक है। उसी दिन मैंने ये वाला पॉट किया था रेडी और ये वाला पॉट किया था, आई थिंक 3 या 4 मैंने उस दिन किए थे, ये सब 4 ही थे, मुझे याद नहीं है क्योंकि बीच में मैंने कुछ कटिंग खोल कर भी देखी थी और एक ये वाला था, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने दो कटिंग जो है वो लगाई है अपने, मेरे शैम्पू के जो डब्बे हैं वो कुछ खाली हो गए थे। तो देखिए, ये दोनों जो है ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाई है, आई थिंक 3 या 4 डेज़ हुए होंगे इन दोनों को, ठीक है। फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं इनको ज़रूर ओपन करूँगी, ठीक है। तो इनको पहले हम साइड में रख देते हैं, जो हमने पहले लगाई थी वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये दोनों कटिंग जो है अच्छा खासा दिख रहा है कि ये सर्वाइव कर रही हैं, बट ये देखिए, ये मिट्टी में लगाई थी मैंने, फुल्ली मिट्टी और कंपोस्ट था, ये नहीं चली हैं, ठीक है। इसमें हमारा वर्मी कंपोस्ट था और इसमें हमारा फुल्ली, जिसको बोलते हैं ना, टोटल और कुछ नहीं था इसमें, हमारा था कोकोपीट, ठीक है। तो कोकोपीट वाली जो कटिंग है आराम से ग्रो कर रही है, रिज़ल्ट अच्छे हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी जो मैंने लगाया था उसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो ये दोनों, अगर कोई भी मेरा भाई बहन गार्डनिंग करना शुरू करता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप महीने में सिर्फ 50 से 100 रुपये अपने गार्डन के लिए अलग छांट कर रख दीजिए। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो और अपना कोकोपीट भी ले सकते हो। देखिए, मैं भी भरकर पूरा थैला नहीं लाती हूँ, जितना मेरा बजट होता है उसके अकॉर्डिंग ही लाती हूँ। कोकोपीट मैं 2 किलो के करीब लाती हूँ, या ज़्यादा हुआ मेरे पास तो मैं 5 किलो ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। इस बार ही मैं कोकोपीट पर आई हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कटिंग चल जाती थी, कुछ नहीं चलती थी, बहुत दिक्कत होती थी, मन भी ख़राब होता था कि हमने इतनी मेहनत की है कटिंग नहीं चली। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए गार्डन में, गार्डनिंग करना बहुत सुकून देता है।
ठीक है। जब तक मैं गार्डनिंग नहीं करती थी, मैं भी मतलब बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती आप खुद समझ सकते हो, बट गार्डनिंग करने के बाद अंदर से बहुत अच्छी फ्रेश फ्रेश फीलिंग आती है, बहुत सारा मतलब अपने पे कंट्रोल हो जाता है, पूरा दिन हम खुश रहते हैं, बिजी रहते हैं, हर दिन नया नया कुछ करने का, एक्सपेरिमेंट करने का मन होता है। बातें अच्छी लगती हो तो बिग थम्स अप कर देना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इस वाले पॉट में मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी सारी की सारी कटिंग ख़राब हो गई है। देखिए आज से ही हमारा स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको रमेश लाल का कटिंग दिखाई है, उसका बिग प्लांट है, जब हमने उसे कट किया था फ्रेंड्स, तो मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों ही ये सोच रहे थे कि शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों से उसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं था, बट मैंने उसकी हार्ड कटिंग जिसे बोलते हैं ना वो कर दी थी। तो हस्बैंड काफ़ी नाराज़ भी हुए थे कि ये इकलौता प्लांट है, इसको तुम ख़राब कर रहे हो, बट मैंने उनको बोला था नहीं ये चल जाएगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कटिंग जो है ना वो चल रही है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन पोर्शन है इसका, और यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कटिंग ख़राब हो गई है, अभी भी ये चल सकती है। आज सुबह मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने मुझे बताया है कि तुम्हारा रमेश लाल जो है वो सर्वाइव कर रहा है, मैंने उस पर देखे हैं टिप पर छोटे छोटे से ग्रीन प्लांट। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बसंत पंचमी के दिन ही मुझे इतना अच्छी न्यूज़ मिली है मेरे गार्डन के लिए, तो बहुत सारी खुशी भी देता है और मन को भी थोड़ी शांति मिलती है। तो साइड में देखिए ये दूसरा पॉट है, आज से पहले मैंने इसको कभी नहीं खोला, आज खोलकर देख रही हूँ क्या कंडीशन है इसकी। तो देखिए इसकी भी कंडीशन अच्छी है। अच्छी कैसे है ये आप देख सकते हो, ये ऊपर की 2 लीफ जो थी वो एज इट इज़ है और ख़राब नहीं हुई है, सूखी नहीं है, कहने का मतलब है। साइड में आपको बुक्स वगैरह दिख रही होंगी, सॉरी मेरा गला ख़राब है। तो देखिए नीचे की तरफ से जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ घुमा घुमा कर, ये वाली कटिंग देखिए, देखिए ये वाली जो कटिंग है ये मेरी कटिंग है हमारे रत्नजोत प्लांट की, ठीक है। तो यहाँ टिप पर आपको ये जो लीव्स दिख रही है ना, न्यू लीव्स है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, ये देखिए ये न्यू लीव्स है, ठीक है। इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ साइड में देखिए अगर मैं दिखा पा रही हूँ आपको, तो यहाँ पर भी एक हल्का सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, न्यू लीव्स डेवलप हो रही हैं। ये देखिए मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, आप सबको दिख रहा हो तो ज़रूर बताना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आज धूप बहुत तेज़ है। और ये वाली कटिंग देखिए यहाँ साइड से, ये देखिए ग्रीन वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, और ये सारी कटिंग उसी दिन मैंने लगाई थी, आप सबको दिख रहा होगा सेम कलर की नेल पॉलिश लगी हुई है सब पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा भी हम खोल लेते हैं, लास्ट में वो दिखाऊंगी मैं जो अभी कुछ दिन पहले मैंने लगाई है। तो इस वाली को भी मैं आपके सामने ही खोल लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको, मतलब मुझे 100% गारंटी थी कि ये सब चल जाएंगी, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत अच्छी की थी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक ये इनके साथ नहीं लगी थी, ठीक है, ये इनके साथ नहीं है, ये इनके साथ, 2 शैम्पू के बॉक्स थे मेरे, ये देखिए, और ये वो कटिंग है। तो देखिए इसमें मैंने गुलाब लगाया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इसमें गुलाब की कटिंग है, मोगरा की है, हिबिकस की है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन हो चुके हैं, ये देखिए ये सब कुछ चल रही है। और ये वाली कटिंग जो है अभी मुझे पता नहीं चल रहा है किस चीज़ की है, बट इसमें न्यू लीव्स डेवलप हो रही है, आपको दिख रहा होगा, न्यू लीव्स तो अपने आप ही समझ आ जाती है। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी है मधुमालती की, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये देखिए जो ये वाली कटिंग जो है रोज़ की है, तो इसमें न्यू सूट जिसे बोलते हैं ना वो चल रही है। और ये वाली बेल जो है ना फ्रेंड्स, ये है मेरी चमेली की बेल, ठीक है। तो देखिए चमेली की बेल में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें न्यू सूट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये कोकोपीट है फ्रेंड्स, तो कोकोपीट ज़रूर ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है। मेरे भाई बहन को सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कोकोपीट ज़रूर ले लीजिए। इतना अच्छा मौसम है कि आप कहीं भी बाहर घूमने वगैरह जाते हो ना, कहीं से भी इतनी छोटी सी भी कटिंग ले आओगे ना, वो भी आराम से चल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने खोल ली है दोनों की दोनों, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर आप देखिए, आपको वाटर दिख रहा है ना, हमने पॉलीबैग जो लगाया है वो इसीलिए लगाया है कि इसके अंदर का मॉइस्चर जो है ना वो लॉस ना हो जाए, खो ना जाए। आप कटिंग लगा कर ऐसे रख दोगे वो भी सर्वाइव कर जाती हैं, बट ऊपर से पॉलीबैग से कवर करोगे तो 100% मेरी गारंटी है वो ज़रूर चलेगी। तो देखिए तीनों के तीनों मेरे जो हैं, मेरा कोकोपीट है, ठीक है, तीनों में मुझे लग रहा है मेरी कटिंग सर्वाइव कर रही है, नहीं ख़राब हुई है। इसमें देखिए रोज़ में ना सूट जल्दी आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू शूट यहाँ पे से मुझे दिख रही है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी कटिंग है, देखिए इसमें मैंने लगाई है मोगरा की है, रोज़ की है,
और ये वाली आई थिंक इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लीक्स होती है तो पहचान कर बता सकते हैं, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है ये हिबिकस की हो या फिर डबल चांदनी की हो, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, डबल चांदनी की हो सकती है ये, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें मैंने लगाई है ये दोनों कटिंग है येलो ट्रम्पेट वाइन की, ये अगेन मधुमालती है और ये है हमारा रत्नज्योत की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको मेरा आज का वीडियो, छोटा सा अपडेट वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे, और बड़ा सारा लाइक थम्सअप कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।